बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आप लोगों को जुमा मुबारक सबसे पहले। तो आज अब हम करने लगे हैं इफ्तारी की तैयारी, उसी की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारे व्लॉग में बने रहिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। जी अनाया लेटी हुई फीडर पी रही हैं, सफाई हम लोगों ने कर ली है, घर बिल्कुल नीट हो गया है। ये देखें एमल रो रही है। एमल को मैंने नहला के तैयार किया, पोनी बांधी है, लेकिन पोनी में से सारे बाल बाहर निकल आए हैं। क्या कह रही हैं आप? बुबू पीना। अच्छा, और अलीशा यहाँ कर रही हैं पेपर की तैयारी। अलीशा का मंडे को मैथ का पेपर है, तो दुआ कीजिएगा बस अल्लाह मियाँ इसको कामयाब कर दे। एमल खड़े होकर अपने कपड़े तो दिखा दें ज़रा, खड़े होकर दिखा। अच्छा चलो खड़े होकर दिखाना, चलें खड़े होकर दिखा दें जल्दी से। शाबाश, ये देखें भाई एमल के कपड़े देख लें। पीछे होकर दिखाओ ना एमल, दिखाओ अपने कपड़े तो दिखाओ, खड़े होके ना। ये देख लें भाई एमल के कपड़े। एमल खड़ी होके दिखा दो जल्दी से। शाबाश, ये देखें एमल भी रेडी हो गई है। अनाया लेटी भी फीडर पी रही हैं, और मैं यहाँ करने लगी हूँ कटिंग अफ्तारी की। तो जी यहाँ पकोड़े मैंने बना लिए हैं, मैं दिखाती हूँ लोगों को। और आलू चिकन बना रही हूँ अभी। ये देखें पकोड़े फ्राई कर लिए हैं, अभी आलू चिकन का मसाला भून रही हूँ मैं। तो जी यहाँ मैं बना रही हूँ आलू चिकन का सालन। नया बाहरी आ गई है, ये देखें गिलास लेके बैठी हुई है। नया तो देखिएगा चा आलू गोश हमारा तकरीबन रेडी हो गया, बस अब हरा धनिया वगैरह ऊपर से डालना है। बूंदियाँ मैंने भिगो दी हैं, आलू भी उबल गए हैं। और यहाँ मैं शरबत बना रही हूँ कुछ मलंगा और शक्कर का। मैं शुगर भी थोड़ी सी ऐड की है, लेकिन ये तुख मलंगा और शक्कर का शरबत बना रही हूँ। क्या चाहिए? अभी खोलते हैं रोज़ा। क्या चाहिए? तो जी यहाँ बच्चे कर रहे थे इफ्तारी खाने का इंतज़ार कि बस रोज़ा खुले और बच्चे कुछ ना कुछ खाएं फटाफट। तो जी यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।